अभी कल की ही तो बात है जब सहायक थाना अध्यक्ष पंकज प्रताप फिल्मी अंदाज में गोली चला रहे एक युवक को धर दबोचा था। सहायक थाना अध्यक्ष पंकज प्रताप की बहादुरी की अभी चारों ओर चर्चा हो रही थी कि आज फिर कटिहार जिला पुलिस ने एक साथ डबल धमाका कर दिया। जिला पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में आज दो प्रखंडों की पुलिस ने अलग अलग कई कुख्यात अपराधियों को पिस्तौल और कारतूस के साथ दबोच लिया। इसमें पहली गिरफ्तारी कुर्सेला पुलिस द्वारा उस समय की गई जब दियारा क्षेत्र का कुख्यात अपराधी विपिन यादव अपने तीन अन्य साथियों के साथ धनंजय यादव, प्रभास यादव और ज्योतिष यादव के साथ लूट की घटना को अंजाम देने की ताक में था। इसी समय कुर्सेला पुलिस को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये सूचना दी जाती है। सूचना मिलते ही नवपदस्थापित SDPO और कुर्सेला थाना अध्यक्ष पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंचते हैं और इन चारों अपराधियों को घेर कर दबोच लेते हैं। पुलिस ने उनके पास से दो देसी कट्टा के अलावा कई दर्जन कारतूस भी बरामद किए हैं। इस गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि विपिन यादव एक दुर्दांत अपराधी हैं, जिस पर पहले से ही आधा दर्जन से भी अधिक हत्या एवं लूट के मामले दर्ज हैं। विपिन यादव कई बार जेल भी जा चुके हैं। जिस पर प्रेस मीटिंग जो है बुलाई गई है, सबसे पहला जो मैटर है वो कुर्सेला थाने से संबंधित है। एक कुख्यात अपराधी है जो बुराही दियरा का जो वर्क करता है, उसका नाम विपिन यादव है। आप लोग उसको जानते भी, पहले से कई केसेस में वो जेल जा चुका है। तो ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वो हथियार और सब लेकर के यहाँ पर कुछ क्राइम करने के लिए अपने साथियों के साथ इकट्ठा हुआ है। तो जैसे ही सूचना प्राप्त होती है, जो SDPO हैं अभी जो नए ज्वाइन किए हैं और जो थाना प्रभारी, ये सब लोग मिल करके उसको घेर करके जितने भी चार लोग थे उनको पकड़ते हैं। और ये चारों लोग जो हैं, विपिन यादव हैं, धनंजय यादव हैं, प्रभास यादव हैं और ज्योतिष कुमार, उनके पास से दो देसी कट्टा है, 8 mm का जिंदा कारतूस है 16 और 12 mm का जिंदा कारतूस है वो 18 है और एक चाकू है। पहले से ही विपिन यादव पर जो है हाफ दर्जन से भी ज़्यादा केसेस जो हैं रंगदारी के, हत्या के सब जो है दर्ज हैं। तो ये एक अच्छी सफलता है और जो पूरी टीम है मैं उसको बधाई देता हूँ, इनको मैं पुरस्कृत भी करूँगा। जिला पुलिस ने आज का दूसरा धमाका उस समय किया जब हवाई फायरिंग कर रहे कुख्यात अपराधी मोनिरुल हक को अहमदाबाद पुलिस द्वारा दबोच लिया गया। ग्रामीणों से अहमदाबाद पुलिस को ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति लगातार गोलियां चलाकर लोगों को भयभीत कर रहा है। सूचना मिलते ही अहमदाबाद थाना अध्यक्ष पूरे दलबल के साथ घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ी और उन्होंने चारों ओर से घेर कर इस कुख्यात अपराधी मोनिरुल हक को दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके पास से दो देसी कट्टा सहित कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने इस गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मोनिरुल हक ये भी जानकारी दी है कि इसके पास कई और पिस्तौल भी मौजूद हैं। कटिहार जिला पुलिस द्वारा एक दिन में क्या इस डबल धमाके से लोगों में खुशी देखी जा रही है, हर कोई कटिहार पुलिस की तारीफ करता नजर आ रहा है। सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो है वो हथियार का बल दिखा करके दहशत जो है वो फैला रहा है क्षेत्र में। तो ये जैसे ही सूचना प्राप्त होती है, वहाँ के जो SDPO हैं, थानाध्यक्ष हैं, इनको जिम्मेदारी दी जाती है और जो पूरी टीम है थानाध्यक्ष की, वो लोग बहुत अच्छा काम किए हैं। इसमें एक नली दो देसी बंदूक जो है वो बरामद होता है, 12 बोर का जो जिंदा कारतूस है वो 18 वो बरामद होता है। और इसमें जो अपराधी है वो मनिरुल हक है, इसके पास से जो है ये हथियार बरामद होता है और इसके द्वारा जो है स्वीकार भी किया जाता है कि इसके पास ये जो है हथियार रखा है। तो ये अच्छी सफलता है और ये जो पूरी टीम है मैं उसको पुरस्कृत करूँगा।